खबर यूपी के मथुरा के थाना गोविंद नगर से है। इलाके में आज उस समय हाहाकार मच गया जब एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में उसके फ्लैट के नीचे पड़ा मिला, जिसकी जानकारी लगते ही वहां परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। वहीं एसपी सिटी सहित स्थानीय पुलिस भी घटना की जाँच में जुट गई। थाना गोविंद नगर इलाके में चौकी बिरला मंदिर के पास स्थित ब्रजेश हाइट्स के फ्लैट नंबर 601 में रहने वाले राकेश गौतम का शव बिल्डिंग के नीचे ही पड़ा मिला, जिसके बाद से जैसे ही परिजनों को मृतक के शव के मिलने की जानकारी हुई तो उनमें हाहाकार मच गया। फिर घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर एसपी सिटी एसओ गोविंद नगर और चौकी इंचार्ज भी मौके पर पहुँच गए, जिन्होंने घटना का लीक है उसने इनकी हत्या की है क्योंकि उससे रिश्तेदार है, जबकि हमसे विपिन गौतम ने 20 लाख रुपए ले लिए हैं, उसके बाद भी अभी तक फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं की, जिसके कारण हमसे दुश्मनी मांगता है और उन्होंने ही इसे मारा है। 601 फ्लैट नंबर में यहाँ रहते हैं, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में गोविंद नगर के वहाँ गिरने से और चौकी इंचार्ज भी मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी थी। वहीं मृतक की पत्नी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे उचित कार्रवाई की जाएगी। घटना के प्रत्येक पहलू की हम गहराई से छानबीन कर रहे हैं, पूरे मकान में जो इनके पेपर्स वगैरह हैं उसका भी हम बारीकी से परीक्षण कर रहे हैं, इनकी पत्नी व बच्चों से भी बातचीत की जा रही है और बिल्कुल निष्पक्षतापूर्वक पारदर्शी ढंग से इस पे कार्यवाही होगी। अभी कोई निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट रूप से कह पाना कुछ संभव होगा। कमरे में कुछ वैसा मिला है सस्पेक्टेड को? कुछ सस्पेक्टेड चीज़ें हमें मिली हैं, कुछ पेपर्स वगैरह मिले हैं जिसकी हम छानबीन कर रहे हैं और ये जाँच के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है। कितने बजे घटना बताई जा रही है? ये रात्रि के 2 बजे के बाद की घटना बताई जा रही है, गार्ड के मुताबिक कि 2 बजे तक मौजूद था, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग घटना का अभी नहीं पता है। सुनीता नाम है। आपको कैसे पता हुआ क्या घटना हुई है? फोन गया था यहाँ से जी सोसाइटी से तो बोले भाभी नंबर दे, वो भैया है आपका, मेरा भाई नहीं है, छोटे वाले को पूछा कि दोनों में से कोई एम ही नहीं है, तो बोले कि तो नंबर दे दो उसका मुझे, तो मैं क्यों क्या बात है, मैंने पूछा भी था उनसे, तो बोले नहीं कुछ नहीं है, मैं बाद में फ़ोन करूँगा। किसका फ़ोन गया था, किसने बताया था? संजय चौधरी का फ़ोन गया था। तो फिर उसके बाद किसी और का फ़ोन आया है उन्हीं के नंबर, संजय चौधरी के नंबर से, बोले कि तुम कहाँ हो, आप कौन बोल रही हैं? मैं कि मैं सुनीता गौतम बोल रही हूँ। क्या राकेश की वाइफ बोल रही हो? कि हाँ। कि तो फिर माँ बोल, आप जल्दी जल्दी आ जाओ और तुम्हारे पति नीचे गिर रहे हैं उससे। तो मतलब यहाँ पे जो आपने सब देखा, जब बॉडी देखी क्या हालत थी उनकी, किस तरह की स्थिति थी? हमने तो ऐसी देखे, अभी नील पड़ रही है, नील पड़ रही है, मार रहा है उनको, मार रहा है। मम्मी बीमार थी तो मम्मी को देखने चली थी। 28 तारीख को पियर गई थी। मैं नहीं घर पे नहीं थी, मैं अकेला देख के मार डाला मेरे आदमी को। विपिन गौतम ने मार दिया है, विपिन गौतम ने। कौन है ये विपिन गौतम? कौन है? बिल्डर है जी, सोसाइटी बिल्डिंग का मौसी का लड़का है, मौसी का लड़का है जी। क्या कारण, क्या क्या वजह है? धमकी देता था, धमकी इनको कोई रंजे से हमसे? हाँ, पहले भी कोई विवाद था क्या? अरे फ्लैट लिया था हमने, बेला फुसला के लाया था यहाँ पे, हमको 20 लाख का फ्लैट दिया हमें। धीरे 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 पैसा लेता रहा, चीज ले ली हमारी, 10 लाख की गोल्ड था हमारा, वो भी ले लिया। तो अभी क्या क्या अब क्या समस्या आ रही थी आप लोगों को? कुछ नहीं आ रही थी, ना पैसा दे रहा था, ना तो पैसा दे रहा था, ना रजिस्ट्री कर रहा था वो, ना कहीं काम करने देता था, ना काम करने देता, कहीं काम करते तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आड़ लगा देता था वो। क्या वजह थी उसकी, ऐसा क्यों करता था वो? पता नहीं, कोई बताता भी